हम कितनी मेहनत करके स्कूल जाते थे, कितना किलोमीटर पैदल चलते थे। आपने भी अपने मम्मी पापा से उनके स्कूल जाने की स्ट्रगलिंग स्टोरी जरूर सुनी होगी। वो कहानी जिसमें मुश्किलों भरा सफर होता था कि कैसे हम स्कूल गए और पढ़ाई की। हालांकि ये सिर्फ उनकी नहीं, दिव्यपाल सिंह की भी कहानी है। दिव्यपाल सिंह हर रोज नदी पार कर स्कूल पहुंचता था। हम इस छात्र की बात क्यों कर रहे हैं आपको ये भी बता देते हैं। सोमवार को राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ। 12वीं बोर्ड परीक्षा में दिव्यपाल सिंह ने 94% अंक हासिल किए। आर्ट स्ट्रीम में दिव्यपाल ने पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100 और जियोग्राफी में 100 में से 98 मार्क्स स्कोर किए। दिव्यपाल सिरोही जिले के छोटे से पांडुरी गांव के रहने वाले हैं। दिव्यपाल के घर से स्कूल के बीच में बनास नदी गुजरती है। स्कूल तक पुल या कोई सड़क नहीं है, इसीलिए स्कूल जाने के लिए उन्हें नदी पार करनी पड़ती थी। सर्दी हो या गर्मी, दिव्यपाल हर रोज नदी पार कर स्कूल जाता था। हालांकि बारिश में नदी में कई बार पानी भर जाता था, जिसके बाद दिव्यपाल 10 किलोमीटर तक पैदल चलकर दूसरे रास्ते से घूमकर स्कूल जाता था। आज आपके कितने मार्क्स आए हैं? 94% बने। रोज आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 2 घंटे। आगे क्या आपका लक्ष्य है? आगे फिजिकल टीचर। फिजिकल टीचर। और स्कूल जाने के लिए क्या दिक्कतें आती थी? स्कूल जाने के लिए नदी पार करना पड़ता था और बारिश में फिर नदी आती, फिर 10 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था। अब आगे आप फिजिकल टीचर बनना चाहते हो, तो क्या तैयारियां रहेगी आपकी और कैसे करेंगे आप? तैयारियां वही रहेगी, बस जोधपुर में जाएंगे और वहां से कॉलेज बढ़िया करेंगे। कितने घंटे रोज आप पढ़ाई कर रहे थे? 2 घंटे। 2 घंटे। जिंदगी में कई मुश्किलें आती हैं, आपको अपने गोल से भटकाने का काम करती हैं। लेकिन जो बिना भटके डटकर इन परेशानियों का सामना करता है, उसे जीत जरूर मिलती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है दिव्यपाल ने। किवरली में दिव्यपाल का स्कूल है। स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। दिव्यपाल फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं। दिव्यपाल फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना चाहता है। दिव्यपाल के पिता रणजीत सिंह किसान हैं और माता मनोहर हाउसवाइफ हैं। दिव्यपाल के दादा रिटायर्ड टीचर हैं। सभी उनके रिजल्ट से बेहद खुश हैं। सिरोही से लोकल 18 के लिए दर्शन शर्मा की रिपोर्ट।